नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैंने अगस्त 29 यानी कि आज मंगलवार के डेटा ऑप्शन चेन और चार्ट्स पर बनाया है। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में FII ने आज जोरदार बाइंग की, 17,000 का प्लस का आज उनका लॉन्ग है। बहुत दिन बाद इतना बड़ा क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। कुछ FIIs ने शॉर्ट भी किया है 9,000, बट ओवरऑल 8,000 का ग्रॉस बाय और उनका अब नेट अमाउंट थोड़ा सा नीचे आया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 9 कॉन्ट्रैक्ट्स का स्क्वायर ऑफ और 270 कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेश शॉर्ट निकल के आया। प्रॉप डेस्क का लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में फ्रेश सॉरी शॉर्ट कवरिंग ज्यादा क्वांटिटी है, बट ओवरऑल नेट फिगर बहुत नॉमिनल चेंज हो गया है उनका। क्लाइंट्स का हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग आज और साथ में कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। नेट फिगर में आज भी क्लाइंट्स ही अकेले हैं जो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग है, बाकी पार्टिसिपेंट्स के सम। इंडेक्स कॉल और पुट की बात करें तो आज FII का डेटा आप देखो तो रेशियो वाइज और थोड़ा सा और स्लाइटली बुलिश हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग बहुत जबरदस्त है। देखो, जबरदस्त कॉल बाइंग है सामने से, मतलब हर दो लॉन्ग कॉल के अगेंस्ट में एक कॉल शॉर्ट है, बट पुट्स में आप देख सकते हो अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा हुआ है। कॉल में बाय शॉर्टिंग है और बहुत, बट पुट बाइंग बहुत कम क्वांटिटी है उनका, इसीलिए नेट फिगर उनका ये रिकॉर्ड 5 लाख पुट लॉन्ग है और कॉल साइड में भी बहुत हाई है, 3,50,000। सो दोनों साइड जबरदस्त एक्सपोजर है FII का। तो ये एक हमें हिंट ऐसा दे रहा है कि FII इस समय मार्केट पे जरूर बुलिश तो लग रहा है जिस तरीके का उनका डेटा है आज का वो, बट एट द सेम टाइम एक सेटलमेंट बोलिए या एक दो दिन का ऐसा उनको लग रहा है कि बाय चांस मार्केट नीचे की तरफ अगर रिएक्ट करे तो वो सॉलिडली उस पोजिशन को हेज कर रहे हैं पुट लॉन्ग करके इस समय। क्योंकि अगर आप उनका पुट लॉन्ग देखिए, 13,60,000 का पुट लॉन्ग है, सामने से 8,47,000 का पुट शॉर्ट, तो बहुत क्लियर है कि वो अब, बिकॉज जिस तरीके का उनका फ्यूचर बाइंग हुआ इंडेक्स का आज, कि वो अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा वो किए कि कोई एक आध दिन शायद कोई अनाउंसमेंट हो या कुछ ऐसा हो जिसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए ये पोजिशन बना के रखा है उन्होंने, ये मेरी रीडिंग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज काफी क्वांटिटी में और पुट्स खरीदा है। प्रॉप डेस्क जो कि इस एक्सपायरी को लेकर न्यूट्रल से लेकर न्यूट्रल ही थे जिस तरीके का उनका डेटा था, अब वो वापस न्यूट्रल ही है, पर थोड़ा सा बेरिश बायस है, सिंपली इस ग्राउंड में कि उनके नेट कॉल शॉर्ट नेट पुट से सामने थोड़ा सा ज्यादा निकल के आया है। कल उल्टा था, आज रिवर्स हो गया, इनका रोज का चेंज हो रहा है प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स जो इस एक्सपायरी को लेके न्यूट्रल टू बुलिश थे, वो उन्होंने अभी वही सेम स्टैंड किया, सिर्फ एक्सपोजर बढ़ गया उनका, 150 के जगह 2 लाख, पर यहाँ 380 से सीधा 558 का हो गया उनका एक्सपोजर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्लाइंट्स भी इस एक्सपायरी को लेके बुलिश बायस है, प्रॉप डेस्क बेरिश बायस दिखते हुए इस एक्सपायरी को देखते हैं। एक नजर इधर लगाइए इंडेक्स ऑप्शंस में FII का जबरदस्त, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग कॉल पुट का और फ्रेश बाइंग। अब ये कौन सा पुट बाय है या कॉल बाय है वो हम नहीं बोल सकते हैं क्वांटिटी का एग्जैक्ट वो डिफरेंस, बट क्वांटिटी देखिए भयानक है और सामने निफ्टी में कोई क्वांटिटी नहीं है, ना के बराबर का चेंज है आज उनका, और मेन क्वांटिटी इधर है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ये फिगर नॉर्मल है दिखना, और फ्यूचर में भी अगर हम देखेंगे तो उनका जो टोन है वो बहुत बुलिश है बैंक निफ्टी के तरफ इस समय, फ्यूचर निफ्टी के कंपैरिजन इधर में। चलिए देखते हैं अब स्टॉक फ्यूचर्स को। स्टॉक फ्यूचर में ये देखिए जबरदस्त क्वांटिटी में उनका शॉर्ट कवरिंग हुआ है। अब जबकि ये सेटलमेंट वीक है, इसमें हमें कल भी देखना पड़ेगा कि कल वो क्या करते हैं, कि खाली वन ऑफ डे तो नहीं था, कल वापस रोल ओवर में शॉर्ट्स तो नहीं कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। पर अगर हम इंडिविजुअल आज के हिसाब से जाए, जो नहीं जाना चाहिए, बट अगर जाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त शेडिंग हुआ है क्वांटिटी का उनके तरफ से, सामने से बहुत नॉमिनल लॉन्ग ऐड है। तो कल इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या अपने फ्रेश शॉर्ट्स वापस सिस्टम में लाते हैं कि नहीं।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आज फ्रेश शॉट्स है, बहुत नॉमिनल फ्रेश लॉन्ग आया है उनके तरफ से। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में फ्रेश शॉट्स, तो प्रॉप डेस्क इधर बेरिश स्टैंड लेते हुए। अगेन रोल ओवर वीक है तो एक और दिन का हमें इनको सिग्नल देना चाहिए। क्लाइंट्स का दोनों तरफ से है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है साथ में शॉर्ट कवरिंग का भी डेटा निकल के आया। चलिए एक बार देखते हैं लास्ट 5 दिन के हाईएस्ट ओआई चेंज हर कैटेगरी के। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये शॉर्ट कवरिंग और ये रहा लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कोच सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको इनमें ट्रेड सिर्फ इसी सेगमेंट के डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में कई बार स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक पहुंच जाता है या अपना एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट कंप्लीट कर लेता है। बट क्योंकि ओआई इतना जबरदस्त चेंज है प्राइस के कंपैरिजन को लेके सब कुछ, तो आपको शायद किसी एक या दो कई स्टॉक्स में शायद कोई ट्रेडिंग मूव मिल जाए, अच्छा ट्रेंडिंग। पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट फ्लैट, बहुत नॉमिनल कम, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0.66 से अच्छा जंप आया है जो अब कंसोलिडेट सॉलिडिफाई हो रहा है, ये एक और बुलिश सिग्नल है। एडवांस डिक्लाइन मार्केट ब्रेथ देखे तो आज भी बुलिश था, 123.59 दो अच्छे निकल के आया इधर से। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग और अनवाइंडिंग एफआईआई का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज और शॉर्ट किया, सितंबर सीरीज नया प्रीमियम ऐड किया। प्रॉप का देखिए जबरदस्त कॉल शॉर्ट कवरिंग मेल्ट होके एकदम ना के बराबर या बहुत अच्छा स्क्वीज हुआ है उनका इधर। उनका पुट भी सामने से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, थोड़े पुट्स ऐड हुए यहाँ पर। ये प्रॉप का बुलिश डेटा है, फ्रेश लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट, क्योंकि उन्होंने यहाँ में थोड़ा क्वांटिटी पुट्स अभी भी अपना आज ऐड किया है। क्लाइंट्स की तरफ से टोटल अनवाइंडिंग है, टोटली टोटल पूरा, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है। चलिए एक नजर चार्ट्स और ऑप्शन चेन पर लगाया जाए, पर जाने के पहले डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल का। ये पूरा वीडियो एजुकेशनल बेसिस में है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन और चार्ट्स का। आप जो भी ट्रेड करें पहले रिस्क को ठीक से मेजर करें, और कुछ भी हो जाए हर टाइम स्टॉप लॉस का जरूर रिस्पेक्ट करें। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट के साथ। सॉरी ये डेटा थोड़ा सा गलत, एक सेकेंड। हाँ, सो इधर में हम देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है मिड कैप निफ्टी का, ये सपोर्ट आता है आपका सीधा 8775 का, 8775 का सपोर्ट है। ये वाला सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो अच्छा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर हायर लो, फिर ये एक और हायर लो बन जाएगा, क्योंकि हाई हायर हाई वैसे बना है, तो उस हिसाब से अगर चले तो ये सपोर्ट को लेकर लेके आगे बढ़ता है, तो अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है वो 8825, 8825 का रेजिस्टेंस अभी भी जारी है यहाँ पर। तो ये रेंज है, नैरो स्क्वीज है इसका, देखते हैं कल ये उस हिसाब से आगे क्या पड़ता है, इस तरीके से देखते हैं उसको। चलिए इसका ऑप्शन चेन भी एक बार देख, ऑप्शन चेन में इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, सीधा नीचे 8700 पर है ज्यादा, यहाँ पर थोड़ा सा है 8750, 87, अभी तक उतना अपलिफ्ट नहीं आया जितना हमने लास्ट वीक की एक्सपायरी में देखा था। यहाँ इन द मनी पर है काफी क्वांटिटी, और बहुत दिन बाद इन द मनी के एक्सपायरी में हमें एक अच्छा पुट कॉल रेशियो का साइन दिख रहा है। दोनों साइड की बैटल ऑन है 8800 के पुट कॉल रेशियो पर इस समय, काफी स्ट्रॉन्ग बैटल दोनों साइड में एडिशन होते हुए इधर। ये एक इंटरेस्टिंग है, कॉल्स में ऊपर में सब फ्रेश राइटिंग आज का ही है, कुछ पहले का नहीं है, यहाँ थोड़ा सा है पहले से उस पर एडिशन, बहुत ज्यादा नहीं है। नीचे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है कॉल साइड में, और कुछ ज्यादा
इसमें नहीं आया। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स है फिन मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी के, वो है 8650, उसके नीचे 8600, और रेजिस्टेंस जो है वो 8850, उसके ऊपर 8925। चलिए अब फिन निफ्टी देखा जाए, आज एक्सपायरी हुआ, कल से नया एक्सपायरी क्या हो। तो फिन निफ्टी की बात करें तो इसमें जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो है 19,700। थोड़ा सा डीप है, नीचे है, बट ये ज्यादा सॉलिड सपोर्ट है यहाँ का। अगर कोई बाय चांस ग्लोबल की या कोई कारण से मार्केट में डिप आता है तो ये 700 कल के लिए बहुत क्रूशल है ये जोन, और इसको अगर संभालता है तो अच्छे तरीके से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, आज वाला जो रेजिस्टेंस था कल भी वही रेजिस्टेंस है 18,900 का। इसको पार करते ही मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग करंट आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश लॉन्ग की रैली, और बहुत दिन बाद हमें फिर शायद फिन निफ्टी में बड़े ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगे। अगर आप नोट करो तो एक ये इकलौता कैंडल है जो बड़ा ग्रीन था, ये इतना बड़ा नहीं है जो हमें रैलीज में पहले दिखते थे फिन निफ्टी में, वो मिसिंग है अभी तक इस मार्केट में। शायद वो अभी हमें मिलना चालू कर जाए, बिकॉज ओवरऑल बहुत दिन बाद ग्रीन कैंडल्स आस्ते आस्ते बनने लग रहे हैं। तो 19,700 19,900 का इम्पोर्टेंट लेवल है। चलिए इसकी ऑप्शन चेन भी एक बार देखें। तो ऑप्शन चेन नया एक्सपायरी है कल से, तो एडिशन भी पहले का अगर देखें तो 19,700 देखिए, पहले के में और एडिशन हो रहा है। जिन्होंने लास्ट वीक या ये वीक लिखा था अर्ली मंडे को, तो उनका और एडिशन आया है उधर में, और नीचे 19,600 पर भी एडिशन हुई है। वैसे उसके नीचे सब मोटा मोटी ये एक और, तो 500 से लेके 500, 600, 700 पर आज कंसोलिडेशन हो रहा है। ये पहले के ओआई पर एडिशन, ये आज डेयरिंग काम है आज का फर्दर एंट्री। इस साइड में भी, कॉल साइड में भी राइटर आए हैं आज इधर पहले से, और बाकी तो सब आज का ही एंट्री दिख रहा है कॉल साइड में, तो उतना भी नहीं है। अगेन कॉल साइड ना, क्योंकि नई एक्सपायरी होने वाली है, अभी उतना जल्दी ओआई बिल्डअप नहीं हुआ है कल से इसमें देखेंगे, बट ओवरऑल पुट साइड में हमें बेस पर एडिशन देखने को मिल रहा है, जो एक बुलिश सिग्नल है फिर निफ्टी के लिए। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जाने के पहले प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बैंक निफ्टी देखा जाए तो जो सपोर्ट है कल का वो 44,300 है। अगेन थोड़ा सा डीप नीचे है क्योंकि तो ज्यादा तगड़ा सपोर्ट है वो, इंस्टेंट अगर पकड़े तो गलत हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो मेरे लिए 44,300 सपोर्ट है, और 44,850 काफी ऊपर है रेजिस्टेंस। तो अगर कल ट्रेंड अगर पकड़ता है अपसाइड में कोई भी कारणवश, ग्लोबल क्यू या स्ट्रॉन्ग, तो कॉल राइटर्स को प्रेशर आ सकता है। काफी ऊपर है, 300 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे पुट है, पर जिस तरीके से मार्केट ने 2 दिन हैंडल हुआ है अपना, बैंक निफ्टी का कुछ अलग ही प्लानिंग लग रहा है इस समय इसमें। बट ओवरऑल 44,850 को मैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल पकड़ के चलूंगा इस वीकली एक्सपायरी मंथली सेटलमेंट के लिए। चलिए इसकी एक बार ऑप्शन चेन भी चेक कर लें। इसकी ऑप्शन चेन में पुट साइड में देखे तो देखिए आज सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा एंट्री नहीं है राइटर, कल हमने देखा था कॉल साइड राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं था बैंक निफ्टी में, आज पुट साइड में वो मिसिंग है। देखिए बहुत कम हुआ एडिशन है यहाँ, तो उल्टा नीचे में गायब है यहाँ तक, बहुत लो वॉल्यूम है, बहुत बहुत लो हुआ एडिशन है इसका पुट साइड में। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा है अब यहाँ तक कोई पुट्स, कॉल साइड में देखें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है यहाँ, डीप एकदम इधर प्रॉफिट बुकिंग फुल।
यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग है कॉल में, एडिशन कॉल साइड में आज है जो मिसिंग था कल। देखिए यहाँ पर एडिशन, यहाँ एडिशन, कंटिन्यूस एडिशन है कॉल साइड, सरप्राइजिंगली कॉल साइड, क्योंकि आज बैंक निफ्टी नेगेटिव चला गया था ऊपर कैंडल के बाद, तो ये उसका प्रेशर है कि उसको लेके आप नियर सपोर्ट बंद हुआ है बैंक निफ्टी जाके नीचे। जैसे मैंने बताया 44,300 क्रूशल है कल के लिए, और रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर है 44,850। तो अगर क्यू रहेगा स्ट्रॉन्ग तो जो आज के राइटर्स हैं उनको प्रेशर आ सकता है, ये जो आज इन्होंने लिखा है, बिकॉज प्रीमियम भी बहुत सॉलिड है ये वाला इस समय इधर में पूरा का पूरा। तो ये थोड़ा सा रिस्की राइटिंग हुआ है आज जिन्होंने किया है उस हिसाब से, तो वो देखते हैं कल किनको प्रेशर पड़ता है इस मार्केट इधर का। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो बैंक निफ्टी के कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 44,150, उसके नीचे 43,800, रेजिस्टेंस 44,850 और उसके ऊपर 45,200। मैं फिन निफ्टी का बताना भूल गया, इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के लिए वो है 19,650, 19,500 और रेजिस्टेंस 19,950, उसके ऊपर 20,100। चलिए लास्ट में निफ्टी भी चेक किया जाए। तो निफ्टी की बात करें तो जो निफ्टी में कल का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 19,300 मेरे हिसाब से क्रूशल है। देखिए यहाँ पर काफी कैंडल आज टेस्ट एंड टर्न, टेस्ट एंड टर्न, टेस्ट एंड टर्न हुआ है, तो 19,300 बहुत इम्पोर्टेंट, ये जब तक होल्ड करेगा तो कोई टेंशन नहीं, उसके नीचे प्रेशर आ सकता है पुट राइटर को, और थोड़ा सा सेलिंग एक्सेलरेट होने की तब चांसेस होगी, नहीं तो डाउटफुल लग रहा है मुझे जब तक वो खड़ा है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो अगेन थोड़ा सा नजदीक ही है, बहुत ज्यादा नहीं, इक्वी डिस्टेंस है आज के क्लोज हिसाब से वो है 19,400। तो इक्वी डिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस है दोनों साइड का, देखते हैं कल किस तरीके का मूव निकल के आता है निफ्टी में। 400 के ऊपर बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, रैली आ सकती है, क्योंकि निफ्टी में हमें अभी तक जो बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले हैं इसमें नहीं मिला है अभी तक, इसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आई है अभी तक बायर में, तो इसमें वो कल एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। चलिए इसका ऑप्शन डेटा भी एक बार चेक करें। तो इसकी जो ऑप्शन डेटा है वो इस तरीके से है इस समय कि यहाँ देखिए हैवी बेस पर एडिशन, हैवी बेस पर एडिशन, हैवी बेस पर बहुत कम एडिशन, बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है पुट साइड में, पर बेस हैवी है। देखिए 19,200, 19,300 का बेस, और इस साइड में भी कॉल साइड में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी भी कॉल राइटर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए पूरा वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, बहुत ओआई कम है एडिशन का, नहीं तो नॉर्मली ज्यादा हो जाता है इस समय तक, आज वो मिसिंग है। मतलब दोनों साइड राइटर को इतना हमने ओआई देखा है बिल्ट अप प्रॉप डेस्क का, एफआईआई का, क्लाइंट्स का, बट आज नहीं है वो, आज वो डेटा में उतना क्लैरिटी नहीं है कि मतलब जिसको मैं बोलूं कि हाँ ये स्ट्राइक, मल्टीपल स्ट्राइक्स ऊपर से नीचे तक इवनली स्प्रेड है। देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी के राइटिंग हो रहे हैं, यहाँ थोड़ा इन द मनी में भी एडिशन हुआ है, यहाँ पर भी देखें तो क्वांटिटी ओआई ओआई बिल्डअप ज्यादा नहीं है, सेम टू सेम क्वांट ओआईज में पैरेलल स्प्रेड्स बनाए जा रहे हैं हर स्ट्राइक पर हो रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक को लेके नहीं है। इसका मतलब जैसे कि एफआईआई ने अपना स्प्रेड इतना बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर है हर पार्टिसिपेंट का, ये बात आप पहले पकड़ ले, तो मतलब मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कोई बहुत बड़ा मूव नेक्स्ट 2 दिन के अंदर, बहुत बड़ा मूव, कौन से डायरेक्शन ये हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर पकड़ेंगे, बट है जबरदस्त है। इस साइड में देखिए कॉल में शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पर यहाँ तक है, यहाँ नीचे में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, तो यहाँ पर पुट साइड में भी थोड़ा सा है पूरा,
बट सरप्राइजिंगली ओआई नहीं है, बहुत मिसिंग ओआई है, कुछ ज्यादा वो टाइप का नहीं है, और रेंज भी स्क्वीज्ड हो गया है, 300 और 400 के बीच का रेंज है। तो नॉर्मली ऐसे रेंज का स्क्वीज ब्रेकआउट गैप ओपनिंग के संग होता है और फिर रन अवे हो जाता है, तो जरा अपना पोजीशंस को संभाल के डायरेक्शन के संग ट्रेंड में रहिएगा और स्टॉप लॉस जरूर मेजर करिएगा। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 19,200, उसके नीचे 19,050, रेजिस्टेंस जो है वो 19,500 और उसके ऊपर 19,650। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।